आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिकल नंबर 16 अपलोड किया था, अभी मैं प्रैक्टिकल नंबर 14 आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 14, उसका टाइटल कुछ इस तरह से है, कंस्ट्रक्ट एंड एक्चुएट इनडायरेक्ट मतलब पायलट कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर द गिवन पर्पज। आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट मतलब क्या, पायलट कंट्रोल सर्किट बनाना है। पायलट कंट्रोल सर्किट कैसा होता है, एक सिंगल पायलट होता है, डबल पायलट होता है। मतलब कैसा है, नॉर्मली आप जैसे देखते हो कि डीसी वॉल अगर आप ऑपरेट करते हो तो आपका एसीसी या डीएसी ऑपरेट होता है, लेकिन आप जो डीसीबी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से एयर आपके एसएससी को जाती है और वो ऑपरेट होता है, नहीं तो आपके डीसीबी से एयर जाती है और आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएट हो जाता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है मालूम है क्या, आपका जो डीसीबी है उसको ऑपरेट करना है, उससे जो एयर जाएगी वो क्या करेगी, दूसरा एक पायलट ऑपरेटेड डीसीबी है उसको जाती है और फिर आपका क्या होता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएट होता है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने सिंगल एक्टिंग के लिए क्या किया है, यहाँ पे सर्किट बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं आप डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए मैंने सर्किट बनाया है। तो ये सर्किट है, यहाँ पे कंप्रेसर का सिंबल है, मतलब ये कंप्रेसर का कनेक्शन और ये कंप्रेसर का कनेक्शन एक है। यहाँ पे 3/2 एनसी मतलब क्या, नॉर्मली क्लोज्ड डीसीबी है। यहाँ पे आपका पायलट ऑपरेटेड डीसीबी है, मतलब यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब एयर यहाँ से क्या हो जाती है, अंदर जाती है और आपके डीसीबी को ऑपरेट करती है। तो ये एयर जो ट्रायंगल है वो एक ही साइड है, मतलब ये सिंगल पायलट है और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड ट्रायंगल्स है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड से एयर आके आपके डीसीबी को ऑपरेट करती है। तो अभी एयर यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली पहले ये सर्किट समझ लेते हैं, फिर ये सर्किट की तरफ जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, एयर आ रही है, यहाँ पे कंप्रेसर की जो एयर है यहाँ पे क्लोज है, आपके सिलेंडर के अंदर जो भी कुछ एयर है वो क्या हो रही है, कंप्रेस स्प्रिंग अनकंप्रेस हो रही है, तो यहाँ से एयर क्या हो रही है आपकी ए टू आर जा रही है। और ये कंप्रेसर एक ही है, मतलब ये भी कंप्रेसर क्या है, अभी क्लोज है और यहाँ पे आपके कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पुश बटन है, ये पुश बटन को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद मतलब ये पुश बटन को प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डीसी वॉल है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसकी जो सेकंड कंडीशन थी वहाँ से वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अभी क्या हो रही है, कंप्रेसर की एयर क्या हो रही है, एक ही तरफ जा रही है, एक ही तरफ जाके ये जो एयर है वो कहाँ पे जाएगी, आपका जो पायलट ऑपरेटेड डीसीबी है उसके इन में जाएगी। अभी ये जो कंप्रेसर था आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कंप्रेसर कौन से कंडीशन में था, क्लोज कंडीशन में था। जैसे ही एयर यहाँ पे आएगी ये क्या हो जाएगा, आपका डीसीबी ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में से क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में चला जाएगा। मतलब अभी एयर क्या हो जाएगी, पी टू ए जाएगी और आपके सिलेंडर के अंदर जाके आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडीशन में चला जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, देखो खाली ये डीसीबी को ऑपरेट किया तो वो ऑफ कंडीशन में से ऑन कंडीशन में आया, फिर एयर यहाँ से ही आपके पायलट डीसीबी, पायलट ऑपरेटेड डीसीबी में, फिर पायलट ऑपरेटेड डीसीबी क्या हो गया, एक कंडीशन टू दूसरे कंडीशन में शिफ्ट हो गया और आपका एसीसी क्या हो गया, ऑन हो गया। मैंने एसीसी को डायरेक्टली ऑपरेट किया क्या, नहीं, मैंने ये पायलट ऑपरेटेड किया, फिर वहाँ से एयर इसमें गई और वो ऑपरेट हो गया। सेम अभी ये डबल एक्टिंग सिलेंडर को एक्चुएट करना है मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3/2 डीसीबी है, यहाँ पे एक 3/2 डीसीबी है, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा है, यहाँ पे रिटर्न लिखा है और यहाँ पे दोनों पायलट ऑपरेटेड क्या है, वहाँ पे 5/2 आपका डीसीबी है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो रिटर्न का है ना पुश बटन, रिटर्न के पुश बटन को मैंने क्या किया है, प्रेस किया है। मैंने रिटर्न के पुश बटन को प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, एयर का कनेक्शन यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, ये पायलट में, ये पायलट में जाने के बाद क्या होगा, ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर से एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी और इधर की जो भी कुछ एयर है वो क्या होगी, यहाँ से एटमॉस्फेयर में जाएगी, तब आपका ये पोर्ट क्या है, क्लोज है। अगर मैं इसको न ऑपरेट करते हुए मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड का 3/2 पुश करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो पायलट आपका जो कंप्रेस्ड एयर का जो स्ट्रोक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, आपका डीसीबी ये कंडीशन में से ये कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखो क्या होता है, आपका कंप्रेसर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अभी कंप्रेसर की एयर क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ पे जाएगी और आपका पिस्टन के फेस साइड जाके आपका
फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, और ये साइड के जो भी कुछ एयर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके एटमोसफियर में चली जाएगी। अगर फॉरवर्ड दबाते हो तो फॉरवर्ड स्ट्रोक चला जाएगा, रिटर्न दबाते हो तो रिटर्न में आएगा वो। ऐसे सिंगल और डबल पायलट ऑपरेटेड डीसी होता है। अभी ट्रेनर किट पे जाते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। अभी आप आपके सामने देख सकते हो यहाँ पे डबल 5x2 डबल पायलट वॉल है। डबल पायलट मतलब यहाँ पे भी इनपुट है और यहाँ पे भी इनपुट है। सेम आप ट्रेनर किट पे यहाँ पे देख सकते हो 5x2 सिंगल पायलट वॉल, मतलब ये जो डीसी वॉल है इसको यहाँ पे एक खाली कनेक्शन है, मतलब एक ही साइड आप उसका एयर का कनेक्शन दे सकते हो, दूसरे साइड क्लोज है। तो बस यही इसको कनेक्शन दे के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लाया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन ला के यहाँ पे मैंने किसको कनेक्ट किया 5x2 के, फिर यहाँ से उसका आउटपुट लिया। अभी मैं पहले सिंगल एक्टिंग आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लेता हूँ और फिर आपका जो पायलट ऑपरेटेड है, मतलब मैंने बोला था आपको कि दोनों को भी जो कंप्रेसर का कनेक्शन है वो सेम है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया उसको। अभी फिर ये पोर्ट मुझे क्या करना है, क्लोज कर देना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इससे एक कनेक्शन लेता हूँ, और क्या कर देता हूँ इसको SSC को देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका एक पोर्ट क्या हो रहा है, ओपन रह रहा है, तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके एयर क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे आएगी डीसी वॉल में, फिर डीसी वॉल से वो क्या हो जाएगी, पायलट का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो क्या होगी, एयर यहाँ से यहाँ पे जाएगी। तो पहले बात तो एयर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली एयर का जो सोर्स रहेगा यहाँ पे कंटिन्यूसली आएगा, लेकिन जब तक मैं ये DCB ऑपरेट नहीं करता हूँ तब तक क्या होगा, ये DCB जो अंदर का है स्पूल वो मूवमेंट नहीं करेगा और आपका SSC ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करके देखते, तो आप देखो मैं इसको अभी देखो मैं ये DCB ऑपरेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ना, मैं ये DCB ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। मैं वो उसको क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ से एयर जा रही है यहाँ पे तो एयर कंटिन्यूसली है, लेकिन जैसे ही इसका मूवमेंट होता है तो इसके अंदर का जो स्पूल है ना वो मूवमेंट कर रहा है, और एयर क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ पे जा के उसको ऑपरेट कर रही है। आप देख सकते हो ये सिंगल पायलट था, अभी मैं आपको डबल पायलट दिखाता हूँ। तो जैसे आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हो मैंने क्या किया है, डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए मैंने क्या किया है, कनेक्शन दे दिए। आप देख सकते हो पहले कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे आया, यहाँ से फिर जो इसका एक पोर्ट है मैंने क्या किया, डबल पायलट ऑपरेटेड के इनपुट को दिया है, और ये एक जो पोर्ट था उसका मैंने जस्ट क्लोज किया, इसको ध्यान मत दीजिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जो दूसरा कनेक्शन आया है, ये कनेक्शन मैंने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है। साथ ही मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये जो डीसी वॉल है इसको भी कनेक्शन देना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गया, डीसी वॉल के इसको भी कनेक्शन देना पड़ेगा। डीसी वॉल से ये जो कनेक्शन आया, फिर इसका जो आउटपुट है मैंने क्या किया, इसके 5x2 के, मतलब ये जो दो डीसी वॉल है इसके आउटपुट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए, इसको इनपुट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, फिर इसके जो दो आउटपुट है मैंने क्या किया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डबल एक्टिंग सिलेंडर को दिए है, और ये नॉर्मली एक वॉल जस्ट क्लोज किया है। अभी देखते हैं ये सर्किट कैसे ऑपरेट होता है। देख सकते हैं एक स्ट्रोक उसका फॉरवर्ड है और एक रिटर्न है। ऐसे
से आपका ये डबल पायलट ऑपरेटेड डीसीवी था। ठीक है, ऐसे ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।